बैंगलोर में विपक्ष की बैठक का आज दूसरा दिन, सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक, 26 दल बैठक में होंगे शामिल। बैंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक के बाद शाम 4 बजे के करीब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना मत रखा और कहा कि 2024 में साथ मिलकर बीजेपी को हराना है। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कांग्रेस का बयान, कहा सभी का उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है, महंगाई और मणिपुर को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। दिल्ली में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में अहम बैठक। शाम 5 बजे होगी एनडीए की बैठक, मीटिंग में 38 सियासी दल होंगे शामिल, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पोर्ट ब्लेयर को आज पीएम मोदी देने वाले हैं सौगात, वीर सावरकर एयरपोर्ट की नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन, 710 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है ये टर्मिनल। सहारा के इन्वेस्टर्स को वापस मिलेंगे पैसे, आज गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल। पुंछ में सेना के ऑपरेशन ट्रिनेटर 2 की शुरुआत हुई है, सोलन कोट इलाके में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच में एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 2 आतंकवादियों को किया उनका खात्मा किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी का निधन हो गया है, ओमन चांडी के बेटे ने निधन की जानकारी दी है। सीमा हैदर के खिलाफ जांच तेज, नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल होने पर होगी जांच, आईबी की विशेष टीम मामले में जांच में जुटी। यूपी एटीएस की हिरासत में सीमा हैदर के साथ करीब 8 घंटे पूछताछ हुई, सीमा के साथ सचिन से पूछताछ हुई, सुरक्षा एजेंसीज को जासूस होने का शक है। झारखंड के रामगढ़ में अमन साहू गैंग के साथ मुठभेड़, डीएसपी और दारोगा को लगी है गोली, दोनों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अमन साहू गैंग के शूटर्स को पकड़ने गए थे डीएसपी नीरज कुमार, एनकाउंटर के दौरान गोली लग गई उनको। दिल्ली में G20 समन्वय समिति की बैठक, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा की अध्यक्षता में होगी बैठक। ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ गई मुश्किल, आज राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी, दिल्ली पुलिस ने दायर की चार्जशीट। चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर नजर रखने की बड़ी तैयारी, भारत खरीदेगा 10,000 करोड़ के 97 मेड इन इंडिया ड्रोन्स। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की, अर्थव्यवस्था को लेकर पहले से एक किले के मुकाबले ज्यादा आशावादी बताया गया। संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है दिल्ली अध्यादेश का मामला, सीजेआई बोले क्यों ना संविधान पीठ मामले को सुने, संसद के मानसून सत्र में बिल ला सकती है केंद्र सरकार। नड्डा का विपक्षी गठबंधन पर निशाना, कहा विपक्ष की बुनियाद स्वार्थ पर टिकी, विपक्ष के पास न नेता न नीति न निर्णय लेने की क्षमता है। पीके हरिप्रसाद का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा डिजास्टर अलायंस साबित होगी एनडीए। हरियाणा के पंचकुला में लैंडस्लाइड, मोनी पंचकुला रोड के पास लैंडस्लाइड, रास्ते को बंद किया गया एहतियात। असम में उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी, 20 गांव में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घट गया, 206.01 पर पहुंचा जलस्तर, दिल्ली में आज भी बरसात का येलो अलर्ट। ग्रीस के लेगोनिसी में भीषण गर्मी से हालात बेहद खराब है, जंगलों में लगी आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। Z News.